हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डाटा साइंस इंजीनियरिंग के डाटा एनालिसिस विथ पाइथन के कंप्यूटेशनल टूल्स क्विज पे ध्यान देने वाले हैं और इस क्विज में 10 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कंप्यूट द परसेंट चेंज ओवर ए गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स। तो इनमें से कौन, नीचे दिए गए में से कौन, किसका यूज़ करके हम परसेंट चेंज को कंप्यूट करते हैं ओवर ए गिवन नंबर ऑफ पीरियड, गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स के वक्त। तो सबसे पहला ऑप्शन है पीसीटी लोअर केस चेंज, परसेंट लोअर केस चेंज, पर लोअर केस चेंज एंड फोर्थ इज नन ऑफ द मेंशन बो। तो उसका सही आंसर है पीसीटी लोअर चेंज, लोअर केस चेंज। सीरीज डाटा फ्रेम एंड पैनल ऑल हैव ए मेथड पीसीटी लोअर केस चेंज। सीरीज डाटा फ्रेम एंड जो पैनल होते हैं ऑल हैव ए मेथड पीसीटी लोअर केस चेंज। इन सब में कौन सी मेथड होती है पीसीटी लोअर केस चेंज की मेथड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे देखे में से करेक्ट स्टेटमेंट पॉइंट आउट कीजिए। ऑप्शन ए पांडास रिप्रेजेंट टाइम स्टैम्प्स इन माइक्रोसेकंड रिजोल्यूशन। पांडास क्या रिप्रेजेंट करते हैं टाइम स्टैम्प्स इन माइक्रोसेकंड रिजोल्यूशन में। सेकंड, पांडास इज 100% थ्रेड सेफ। पांडास ये 100% थ्रेड सेफ रहते हैं। ऑप्शन सी फॉर सीरीज एंड डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स वेयर नॉर्मलाइजेस बाय एन माइनस वन टू प्रोड्यूस अनबायस्ड एस्टिमेट्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो करेक्ट स्टेटमेंट है सी फॉर सीरीज एंड डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स वेयर नॉर्मलाइजेस बाय एन माइनस वन टू प्रोड्यूस अनबायस्ड एस्टिमेट्स। पांडास क्या रिप्रेजेंट करते हैं टाइम स्टैम्प्स इन नैनो सेकंड रिजोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज ए मेथड COV टू कंप्यूट कोवेरियंस बिटवीन सीरीज। नीचे दिए गए में से कौन सा ऑब्जेक्ट है उसके पास मेथड है COV टू कंप्यूट कोवेरियंस बिटवीन सीरीज, सीरीज में कंप्यूट COV टू कंप्यूट कोवेरियंस करने में। तो ऑप्शन ए है सीरीज, ऑप्शन बी है डाटा फ्रेम, ऑप्शन सी है पैनल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका आंसर है सीरीज। डाटा फ्रेम हैज ए मेथड COV टू कंप्यूट पेयर वाइज कोवेरियंसेस अमंग द सीरीज इन द डाटा फ्रेम ऑल्सो एक्सक्लूडिंग NA/null वैल्यूज। तो डाटा फ्रेम में कौन सा मेथड, डाटा फ्रेम में मेथड होता है COV टू कंप्यूट पेयर वाइज कोवेरियंस करने के लिए अमंग द सीरीज, सीरीज के अमंग इन द डाटा फ्रेम ऑल्सो एक्सक्लूडिंग NA/null वैल्यूज। और क्या एक्सक्लूड करते हैं NA और null वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइज द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर इच कॉलम पेयर इन ऑर्डर टू हैव ए वैलिड रिजल्ट। नीचे देखिए में से कौन सा स्पेसिफाई करता है रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर इच कॉलम पेयर इन ऑर्डर टू हैव ए वैलिड रिजल्ट। तो ऑप्शन ए है मिनिमम लोअर केस पीरियड्स, ऑप्शन बी है मैक्स लोअर केस पीरियड्स, ऑप्शन सी है मिनिमम लोअर केस पीरियड्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन अबव। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ये डिफरेंस है कि मिनिमम यहाँ पे MI एंड लोअर केस पीरियड्स है और यहाँ पे पूरा मिनिमम लोअर केस पीरियड्स मतलब ऐसा लिखा है। तो उसका ऑप्शन है ये मिनिमम MI एंड लोअर केस पीरियड्स। डाटा फ्रेम डॉट COV ऑल्सो सपोर्ट्स एन ऑप्शनल मिनिमम लोअर केस पीरियड्स। डाटा फ्रेम डॉट COV जो होता है वो सपोर्ट्स करता है ऑप्शनल मिनिमम लोअर केस पीरियड्स को। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है। ऑप्शन ए LXML इज़ वेरी फास्ट, LXML बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ऑप्शन बी LXML रिक्वायर्स साइथन टू इंस्टॉल करेक्टली। LXML क्या रिक्वायर करता है साइथन टू इंस्टॉल करेक्टली, साइथन इंस्टॉल होना चाहिए करेक्टली। ऑप्शन सी LXML डज नॉट मेक एनी गारंटीज अबाउट द रिजल्ट ऑफ इट पास। LXML कुछ भी गारंटी नहीं लेता कि उसका जो रिजल्ट होता है वो पास हो जाता है। तो ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन अबव। तो इस पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पॉइंट आउट करना है कि LXML इज़ वेरी फास्ट, क्या वो नहीं है? नहीं, LXML इज़ वेरी फास्ट इज ट्रू। LXML रिक्वायर्स साइथन टू इंस्टॉल करेक्टली, ये भी सही है। LXML अगर हमें उस पर हमें काम करना है तो साइथन करेक्टली इंस्टॉल होना चाहिए। ऑप्शन सी LXML डज नॉट मेक एनी गारंटीज अबाउट द रिजल्ट ऑफ इट्स पास, तो ये गलत है। LXML
मेक्स एवरी गारंटी अबाउट द रिजल्ट ऑफ इट पास, तो ये गलत है। देर आर सम वर्जनिंग इश्यूज सराउंडिंग द लाइब्रेरीज दैट आर यूज टू पास HTML टेबल्स टेबल्स इन द टॉप लेवल पांडास टू फंक्शन रीड लोअर केस HTML। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटेड ऑन डाटा फ्रेम टू कंप्यूट द कोरिलेशन बिटवीन द लाइक लेबल सीरीज कंटेनिंग डिफरेंट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। नीचे दिए गए में से कौन सा इम्प्लीमेंट होता है डाटा फ्रेम में जो कंप्यूट करता है कोरिलेशन बिटवीन द लाइक लेबल सीरीज कंटेन इन द डिफरेंट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स में जो भी लाइक लेबल सीरीज होती है उनमें कोरिलेशन बैठाने के लिए ये इम्प्लीमेंट होता है। तो ऑप्शन ए है COR विथ, ऑप्शन बी है COR विथ, ऑप्शन सी है COR VIT WIT, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन अबव। उसका सही आंसर है COR विथ। अ स्कोर क्लोज टू वन मीन्स देयर टेस्ट्स आर वेरी सिमिलर। क्वेश्चन नंबर सेवन, रोलिंग लोअर केस काउंट फंक्शन गिव्स द नंबर ऑफ नॉन नल ऑब्जर्वेशंस। जो रोलिंग काउंट फंक्शन होते हैं वो नंबर गिव्स द नंबर ऑफ नॉन नल ऑब्जर्वेशन, जो नॉन नल ऑब्जर्वेशंस के नंबर देते हैं। ये क्या सही है गलत है? तो ये है सही गलत। द बाइनरी ऑपरेटर्स टेक टू सीरीज ऑफ डाटा फ्रेम्स। जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो दो सीरीज और डाटा फ्रेम्स लेते हैं, तो यहाँ पे गलत है। तो रोलिंग लोअर केस काउंट फंक्शन गिव्स द नंबर ऑफ नॉन नल ऑब्जर्वेशन, वो नॉन नल ऑब्जर्वेशंस देते हैं, ये गलत है क्योंकि द बाइनरी ऑपरेटर्स टेक टू सीरीज और डाटा फ्रेम्स। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोड्यूसेस अ डाटा रैंकिंग विथ टाइज बींग असाइंड द मीन ऑफ द रैंक्स फॉर द ग्रुप। नीचे देखिए में से कौन सी मेथड प्रोड्यूस होती है डाटा रैंकिंग विथ टाइज बींग असाइंड द मीन ऑफ द रैंक्स फॉर द ग्रुप। एक असाइन होती है जो मीन ऑफ द रैंक्स ऑफ द ग्रुप, रैंक्स में से रैंक जो होती है ग्रुप्स की उनमें से अगर हमें मीन निकालना है प्रोड्यूस करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो रैंक, ऑप्शन बी डेंस लोअर केस रैंक, ऑप्शन सी पार्टीशन लोअर केस रैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो सही आंसर है ए रैंक। रैंक इज ऑल्सो ए डाटा फ्रेम मेथड, रैंक इज ऑल्सो ए डाटा फ्रेम मेथड। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पोटेंशियली चेंज द डी टाइप ऑफ ए सीरीज। नीचे देखिए में से क्या पोटेंशियली चेंज करता है डी टाइप ऑफ ए सीरीज को। तो ऑप्शन ए है री इंडेक्स लोअर केस लाइक, ऑप्शन बी इंडेक्स लोअर केस लाइक, ऑप्शन सी आई टाइम लोअर केस लाइक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो उसका सही आंसर है ए री इंडेक्स लोअर केस लाइक। री इंडेक्स लोअर केस लाइक साइलेंटली इंसर्ट्स एनएएनएस एंड द डी टाइप चेंजेस अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर टेन, COV एंड COR सपोर्ट्स द ऑप्शनल मीन लोअर केस पीरियड्स कीवर्ड। जो COV एंड COR जो होते हैं वो क्या सपोर्ट्स करते हैं ऑप्शनल मीन यमाइन लोअर केस पीरियड्स कीवर्ड्स को? तो ऑप्शन है ट्रू फॉल्स, तो उसका आंसर है ट्रू। नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स विल बी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोरिलेशन कैलकुलेशन। जो नॉन न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड होते हैं कहाँ से? तो कोरिलेशन कैलकुलेशन से। तो इसी तरह से हमने डाटा साइंस इंजीनियरिंग की डाटा एनालिसिस विद पैथन के कॉम्पिटिशनल टूल्स के क्विज को कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से हम आपके लिए नए कंटेंट लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप खुद को मोटिवेटेड रखिए, स्टडी के लिए हमेशा फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। धन्यवाद।